अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सन अप सिवान व गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी जीवन यादव ने नगर परिषद सभापति पद से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है और सैम्पी गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार कर जीवन यादव क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से नगर सभापति उम्मीदवार सैम्पी गुप्ता को मत देने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में आज समाज सेवी जीवन यादव नगर परिषद क्षेत्र के भादा गांव पहुंचे, जहां जदयू नेता मंसूर आलम व इंद्राशन चौधरी के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जदयू नेता मंसूर आलम ने कहा कि सिवान की जनता जीवन यादव को पसंद करती है, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष की सीट आरक्षित हो जाने से जीवन यादव की मां चुनाव नहीं लड़ सकी। जीवन यादव के द्वारा सैम्पी गुप्ता को समर्थन देकर नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार की घोषणा की गई है। जनता के समर्थन से चुनाव जीतकर सिवान में विकास करना और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जदयू नेता मंसूर आलम व सन ऑफ सिवान के नाम से प्रसिद्ध जीवन यादव ने। क्या लगता है इस बार नगर परिषद चुनाव में भी माई समीकरण देखने को मिलेगा जीवन यादव को? ऐसा है कि अभी नॉमिनेशन सब लोग हो जाने दीजिए, टोटल लोगों का नॉमिनेशन जब हो जाएगा तब समीकरण के बारे में पूछिएगा। जब नॉमिनेशन हो जाएगा तो उसमें देखा जाए कौन किस लायक है, उसके बाद पब्लिक डिसीजन लेगी। अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं, लेकिन जो आ रहा है दरवाजे पर कोई आएगा तो चाय नाश्ता करना। जीवन यादव हमारे बहुत पुराने, एक पूछ नहीं दो पूछ से इनके रिश्ता पारिवारिक है, आए हुए इनके साथ सारे लोग आए हुए हैं, वेलकम किया गया है, माला पहनाया गया, मिठाई खिलाया जा रहा है। अब नॉमिनेशन करके जब आएंगे तो उसमें डिसीजन होगा कि हम लोग करना क्या। माला पहना है, क्या लगता है जीत की माला? अब लीजिए माला जिसको पहना है सब लोग जीतता है, इनको माला पहनाया गया जीतेंगे, हारने के लिए थोड़ा बनाया गया है। क्या लगता है आगे जीवन यादव को समर्थन रहेगा? पूरा जिला जो है इनके साथ है, किसी को नजर आवे न आवे लेकिन जीवन का पूरा जिला का समर्थन है। मैंने हमारे देखने में, हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं, जो समाज का अच्छा काम करेगा उसका साथ हम लोग हो जाते हैं। इन्होंने स्लोगन दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाना है, एकदम सही बोले हैं, होना भी एकदम होना चाहिए। अभी अनुराधा गुरु अनुराधा को जो आप न्यूज ले जाते हैं वो घबरा रही है, आपका न्यूज हम सुने हैं तो जितने लोग पुराने सब पर FIR है, सब लोग घबराहट है। तो जीवन चौधरी जैसा जो लोग आए, चाहे जो भी इस तरह करने वाला लोग है, तो लोग घबराएगा ही घबराएगा। स्वच्छ अभी बस कैंडिडेट चाहिए, स्वच्छ अभी का लगता है किस बार भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद एकदम होना ही है, किसी को रोकने से रुकना है। क्या अपील करेंगे? अपील हमने कहा कि जो अच्छा इसमें कैंडिडेट होगा उससे पूरे सिवान जिले के वोटर चढ़ जाएंगे बिना कहे सुने। अब जो नया कैंडिडेट है वो बेचारे को हम पहचानते नहीं हैं, उसका बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे आए हैं तो इज्जत और प्रतिष्ठा तो देना है बाबू। हम तो जीवन यादव को पहचानते हैं, उनको थोड़े पहचानते हैं, लेकिन जब हम लोग जानेंगे कि हम उनमें क्या खूबी है, क्या बाई डाटा देख लिया जाएगा, तो उस पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आए हुए हैं, अपने माला पहनाया, क्या लगता है जीवन यादव का पूरा समर्थन है? जीवन यादव का तो हम लोग का 100% था, मगर अब कारण है कि हम लोग निकल गए हैं, मगर फिर भी अपना कंटेंट उठाए हैं तो इन्हीं को हम लोग मानते हैं, अब दूसरा किसको मानेंगे? चाहे अब समझिए कि जीवन यादव है, इसलिए तो हम लोग प्रोग्राम बुला करके बुलाए, बातचीत किए, उनको इज्जत किए। अब सीट मिलेगा तो इससे बहुत आगे काम करेंगे। यादव को आप लोगों ने किस लिए समर्थन किया है? किस लिए समर्थन? काम के लिए, काम के लिए, कि जब कुछ नहीं है तब इतना काम कर रहा है, अगर हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि बाल बच्चा अगला देखेंगे, अगर हम लोग भी रहेंगे तो हम लोग देखेंगे, अगला चुनाव भी इनको पड़ेगा तो हम लोग पूरा अपना जान त्याग करके लगाएंगे। एकदम पक्का उनको नहीं, जीवन यादव समझ के पक्का, उनको हम लोग क्या जानते हैं, आज उनको चेहरा देख रहे हैं, इनको हम लोग बचपन से देख रहे हैं, आज थोड़े देख रहे हैं। लगता है कि विकास हो पाएगा अब नगर परिषद का? अब तो इनको हाथ में है, अभी तो उम्मीद है इसी तरह विकास हो रहा है तो होने पर तो बहुत ज्यादा होगा।
सारा बच्चे खुश है। जावना जावना गली में हम लोग जाते हैं, वहाँ वहाँ के लोग कहते हैं कि अब की पारी जीवन बाबू, अब की पारी जीवन। मोदीपुर गए हम चमटोली में कुछ लेबर के काम था, तो ए जीवन बाबू, जीवन बाबू। हम कहें कहाँ के जीवन बाबू है, हम नहीं चिन्हते हैं। आई लेने का चिन्ह कनवारा गाँव, तब क्या कीजिएगा। क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आपको माला पहनाया है, क्या माला दिया, जीत का माला पहना दिए वो? जीत का माला से ज़्यादा खुशी है कि मेरे गार्जियन हैं, उन्होंने मुझे माला पहनाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अपन का काम है। जीत हार तो सब जनता के हाथ में है, इनका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो समझिए कि सब कुछ मिल गया। क्या लगता है इनके समर्थन आपको मिल रहा है? मोहब्बत मिल रहा है हमको, इससे बड़ा तो हमको नहीं लगता चेयरमैन की कुर्सी होगी। हमारे लिए तो इनका मोहब्बत ही सबसे बड़ा है, अब चेयरमैन की कुर्सी मोहब्बत का सामने बहुत छोटा महसूस हो रहा है। क्या लगता है MY समीकरण सिवान नगर परिषद में भी देखने को मिलेगा? जी हमेशा देखा गया, हमेशा देखा जाएगा, ये तो चलते आ रहा है सदियों से, बहुत पुराना है, आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ईद भी उसी तरह मनाते हैं, दिवाली भी उसी तरह मनाते हैं, दशहरा भी उसी तरह मनाते हैं। फर्क नहीं है कि आंकड़ा निकल रहा है कि मुहर्रम का जुलूस आज भी शायद है, चहलुम इन्वाइट है, हम उसमें रहेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़। हम लोग तो उसी में कौमी एकता देखने को मिलता है, उसमें हम लोग भी खुश रहते हैं, एक तरह से उम्र है हम लोग का, उत्साह है, हम लोग भी मेला देखते हैं, सब में जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि MY समीकरण क्या है, राजनीति क्या है, जातिगत क्या है। हम लोग तो सब मिलजुल के एक ही साथ पर्व का मजा लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।